दमोह जिले के पथरिया ब्लॉक में आने वाले असलाना सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 12वीं के छात्र को स्कूल प्राचार्य शीलचंद डहेरिया ने बुरी तरह पीटा। घायल छात्र अपने पिता के साथ पथरिया अस्पताल पहुंचा, जहां इसका इलाज किया गया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत की है। पुलिस ने आवेदन लेकर मामले की जाँच करने की बात कही है। 17 वर्षीय कक्षा 12वीं के छात्र मनोज पिता राजू सिंह ने बताया कि बुधवार शाम करीब 4:30 बजे स्कूल की छुट्टी होने के बाद वह अपने घर जा रहा था। तभी एक वाहन स्कूल पहुंचा जिसमें फर्नीचर रखा था। स्कूल के प्राचार्य डहेरिया ने उससे 4-पहिया वाहन में से फर्नीचर उतारकर स्कूल में रखने के लिए कहा। उसने बताया कि उसके घर पर पिता नहीं है, घर जाना जरूरी है। इसके बाद गुस्से में आए प्राचार्य ने उसे लाठी से पीटना शुरू कर दिया। उसके दोनों पैर में चोट आई, खून भी निकलने लगा। अस्पताल के डॉक्टर सत्यम सिंह ने बताया कि छात्र के दोनों पैरों में चोट आई है, इसका इलाज कर दिया गया है। छात्र ने अपने पिता के साथ पथरिया थाना पहुंचकर शिकायत की। थाना प्रभारी रजनी शुक्ला ने बताया कि आवेदन की जांच करने के बाद प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाथ दूर करो, हाथ दूर करो, वो जान की लिखा सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।